नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। आर्या स्पीड में आपका स्वागत है। मेघालय में मतगणना के दौरान मैरंग में हिंसा, राजनीतिक दल के दफ्तर में तोड़फोड़, धारा 144 लागू। मुंबई में राज ठाकरे के करीबी एमएनएस नेता संदीप देशपांडे पर हमला, हिंदुजा अस्पताल में भर्ती। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई, पीएम मोदी पर दिया था विवादित बयान। त्रिपुरा नागालैंड में बीजेपी की सरकार, मेघालय में एनपीपी को सौंपा समर्थन पत्र। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने मेघालय के राज्यपाल को सौंपा अपना इस्तीफा, नई सरकार बनाने का दावा किया पेश। महाठग सुकेस ने केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर लगाए नए आरोप, कहा मेरे जन्मदिन पर गाना गाया था ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पैसों के लालच में अपना वादा तोड़ दिया। सुकेस ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा तुम मुझे ठग कहते हो लेकिन तुम सबसे बड़े घोटालेबाज हो। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का दावा, मेरे फोन में था पेगासस। राहुल गांधी के भाषण पर बोले अनुराग ठाकुर, देश को बार बार बदनाम करने की कर रहे हैं कोशिश। बिहारी मजदूरों पर तमिलनाडु में हो रहे हमले पर बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री से इसकी जांच करा ली जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के बीदर में गुरुवार श्री नानक जीरा साहिब में टेका मत्था। राम रहीम की पैरोल आज हो रही है खत्म, भेजा जाएगा रोहतक सुनरिया जेल। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने की द्विपक्षीय बैठक। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले में सुनाया अहम फैसला, एग्जाम से पहले हिजाब प्रतिबंध मामले में सुनवाई से अदालत ने किया इनकार। बुलंदशहर के खुर्जा देहात में मामूली झगड़े के बाद सनकी युवक ने अपने ही घर को किया आग के हवाले, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में तीन आरोपियों को अलीगढ़ जेल से किया गया रिहा। हैदराबाद के नागोल इलाके में पीछे से आती एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक व्यक्ति को मारी टक्कर, हवा में उछला शख्स। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, यात्रियों से भरी बस पलटी, एक की मौत 41 घायल। अंबाला में लोहे की सरियों से लदी ट्रॉली खड़ी बस से टकराई, 8 लोगों की मौत। बरेली से हिमाचल प्रदेश की बद्दी जा रही थी बस। सप्ताह के अंतिम दिन बाजार ने तेजी के साथ की शुरुआत, अदानी ग्रुप के स्टॉक में आया उछाल। सोने चांदी की चमक वापस लौटी, दो दिनों की गिरावट के बाद आज देखी जा रही बढ़त, सोना 55,899 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, खुला चांदी 64,467 रुपए प्रति किलोग्राम। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम G20 के लिए भारत के एजेंडे का समर्थन करते हैं। 3rd टेस्ट में टीम इंडिया की हार, ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट से रौंदा, हार के बावजूद भारतीय टीम 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से आगे। मुंबई में शाहरुख खान के घर में घुसे गुजरात के दो युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी के घर के बाहर हाथ में हथियार लिए चक्कर काट रहे हैं 25 गुंडे, नागपुर पुलिस कंट्रोल रूम को अनजान शख्स ने दी खबर।